सांप के पैर क्यों नहीं होते? क्या सांप कभी पैरों वाले थे? वैज्ञानिकों का कहना है कि विकास की शुरुआत में सांप के भी पैर हुआ करते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सांप के पूर्वज छिपकली की तरह थे, जो बाम्बी में रहा करते थे। सांप को अपने विकास के चरणों में अपने पैर खोने पड़े और उनके पैर का स्थान शरीर के निचले या पेट पर बनी पट्टिकाओं स्केल्स ने ले लिया। इन स्केल्स की मदद से ही सांप पानी हो या पेड़ या फिर जमीन, सभी जगह सरपट भागता है। सामान्यतः सांप आगे बढ़ने के लिए तीन तरीकों का उपयोग करता है। पहला तरीका है कंसर्टीना मेथड। इसका उपयोग कर सांप पेड़ों पर चढ़ता है। वही लेटरल अनड्यूलेटरी मूवमेंट में सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है और रेक्टिलिनियर मूवमेंट में सांप अपनी स्केल्स का उपयोग कर सीधा चलता है। वैसे सांप और छिपकलियों को सरीसृप के उच्चतम ऑर्डर में रखा गया है। सांप और छिपकलियों में पैर के अलावा सिर्फ एक ही अंतर होता है, वही है कि सांप के मुंह के दोनों जबड़े खुलते हैं, जबकि छिपकली का निचला जबड़ा स्थिर रहता है और सिर्फ ऊपर का जबड़ा ही खुलता है।